हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, रागी डोसा, प्लेन डोसा और मसाला डोसा, वो भी फर्मेंटेड रागी बैटर के साथ। फर्मेंटेड रागी बैटर से डोसा बनाने से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा, आयरन और कैल्शियम से भरपूर, साथ ही बनाना आसान और खाने में टेस्टी। तो इसके लिए मैंने लिया है रागी। ये है रागी, इसे फिंगर मिलेट या रेड मिलेट के नाम से भी जाना जाता है और नाचनी भी कहते हैं। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में इजीली अवेलेबल होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन है और कैल्शियम भी है। उसके अलावा ये है उसना चावल। उसना चावल की जगह आप नॉर्मल राइस भी ले सकते हैं, और एक कटोरी उड़द की दाल है। अब सबको मैं अलग अलग बाउल में डालकर इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी दो तीन बार। वॉश करने के बाद मैं इनको पानी डाल के भीगने के लिए रख दूंगी। मैंने सारा चीज़ एक एक कटोरी लिया। अगर आप उसना चावल नहीं लेना चाहते तो आप कोई भी नॉर्मल मोटा वाला चावल ले सकते हैं। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ धोने के बाद, और इसमें मैं 1/2 टीस्पून मेथी का दाना भी डालूंगी। डाल के इसको मैं 5 से 6 घंटे भीगने के लिए रख दूंगी। अभी सारी चीज़ें एकदम अच्छे से भीग गई हैं, मैंने 5 घंटे रखा है। अब मैं एक कटोरी पोहा ली हूँ, इसको धो के 10 मिनट के लिए भीगने रख दूँगी। आप पोहे की जगह पका हुआ चावल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने मिक्सी का जार लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ चावल जिसमें मेथी डाल के हमने भीगने रख दिया था। डालकर अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसका बैटर भी सेम वही प्रोसीजर है जैसे हम लोग नॉर्मल इडली या डोसे का बैटर बनाते हैं। अब चावल को मैंने पहले थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, अब मैं इसमें पोहा डाल के इसको एकदम चिकना ग्राइंड करूँगी। पर यहाँ पे हम लोग आधा चावल और आधा रागी यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ये और ज़्यादा हेल्दी बनेगा। अगर आपको चावल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है तो आप सिर्फ रागी और दाल से भी ये डोसा बना सकते हैं, वैसे भी ये बहुत टेस्टी बनेगा। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल रही हूँ। निकाल के अब सेम इसी जार में मैं डाल रही हूँ रागी। रागी डाल के मैं ग्राइंड करूँगी ये डोसा मीन्स रागी से हम जो भी बनाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। स्पेशली जो डायबिटिक है उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अब ये भी काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो गया। अब मैं इसको भी निकाल रही हूँ सेम उसी बाउल में। निकाल कर फिर हम लोग ग्राइंड करेंगे दाल को। ये अगर आपके पास होल ग्रेन नहीं है, जैसे रागी नहीं है, तो आप दाल और चावल ग्राइंड करने के बाद उसमें थोड़ा सा रागी का आटा मिक्स करके, एक कटोरी रागी का आटा मिक्स करके रात भर खमीर उठने के लिए रख सकते हैं। अब दाल भी काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो गया, इसको भी मैं निकाल रही हूँ सेम उसी बाउल में। और जैसे कि मैंने बताया है, ये डोसा काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। जो वेट लूज़ करना चाहता है उसके लिए भी हेल्दी है, जिसको स्किन और बाल अच्छे रखने हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अभी मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी। मिक्स करके इसे हम लोग रात भर या 5 से 6 घंटे के लिए खमीर उठने के लिए रख देंगे। अब बैटर थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा बैटर दूसरे बाउल में निकाल रही हूँ, ताकि खमीर उठने के बाद ये नीचे ना गिरे। अब निकालने के बाद इसे ढक के मैं रख दूंगी, और हमें एयर टाइट ढक्कन नहीं रखना है। ऐसा ढक्कन रखना है कि इसमें थोड़ा सा हवा भी जाए, तभी खमीर अच्छे से आएगा। अब मैंने इसे रात भर के लिए रख दिया था। नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं ये फुलके दुगना हो गया है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खमीर भी आया है। मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये एकदम जालीदार बना है, एकदम फूल गया है, और इसका वॉल्यूम भी बढ़ के दुगना हो गया है। बस अब हमारा एकदम बढ़िया फर्मेंटेड रागी बैटर बनके रेडी है। ये बैटर से अब आप जो भी चीज़ बनाओगे, डोसा, इडली, उत्तपम, वो सारी चीज़ें एकदम हेल्दी बनेंगे, आयरन और कैल्शियम से भरपूर। अब मैं आपको ये वाला बैटर भी मिक्स करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें भी उतनी अच्छी तरीके से खमीर आया है। मैंने 2 अलग अलग बाउल में डाला। आप चाहो तो सारा चीज़ एक ही बड़े वाले बर्तन में डालकर भी रख सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। डालकर अब हम इसका बनाएंगे डोसा। ये बैटर आप बना के फ्रिज में रख के 1 वीक तक भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा पानी डाला है, उसके बाद मैं इसको टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही हूँ ताकि तवे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। अभी मैंने थोड़ा सा रागी का बैटर डाला है, डाल के अब मैं इसका पतला डोसा बना रही हूँ। उसके बाद इसके साइड से मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहो तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं इसे और हेल्दी बनाने के लिए। अब जैसे ये थोड़ा सा सीख गया, मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ।
आप देख सकते हैं ये डोसा भी नॉर्मल डोसे की तरह ही बहुत अच्छे से बना है, अच्छे से सिका हुआ है। अगर हम लोग रेशो बराबर लेंगे दाल चावल और रागी का तो डोसा एकदम परफेक्ट बनेगा। अब मैं इसको निकाली हूँ, अब हम बनाएंगे मसाला डोसा। अभी मैंने तवे के ऊपर पानी डाला है, फिर टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही हूँ ताकि तवे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ रागी का बैटर, डालकर इसको भी अच्छे से सेक लेंगे। फिर इसके ऊपर हम लोग रखेंगे आलू की सब्जी और सर्व करेंगे। इसको आप किसी भी चटनी के साथ सर्व करोगे ना तो भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में भी दो, इनफैक्ट आप टिफ़िन बॉक्स में भी दोगे ना तभी भी ये बहुत अच्छा लगेगा ठंडा होने के बाद भी। अब ये भी डोसा बन गया है, मैं इसे सर्व कर रही हूँ चटनी और सांभर के साथ। अब आप भी ये हेल्दी डोसा ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।